हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ाने वाले हैं इवेस सब्जेक्ट। इवेस सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट है अवर बॉडी। अवर बॉडी का मतलब है सर, मतलब ये हमारी बॉय क्या बॉडी है, मतलब हमारी बॉडी। फर्स्ट लेसन है 1.1 बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स का मतलब देखो, अभी हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट है। लुक एट द पिक्चर। देखो फर्स्ट पिक्चर में है क्या है, क्या है, ए बॉय है। बॉय क्या कर रहे थे, हाँ बॉय क्या कर रहे, देखो तो उसका हैंड्स ऊपर है, मतलब वो ऊपर करने की क्या कर रहे है, मूवमेंट्स कर रहा है। मतलब देखो बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स में देखो उसे बॉडी पार्ट कौन कौन से है, थंब, फिंगर, रिस्ट, एल्बो, लेग, फुट, एंकल, नी, हैंड, आर, नेक, माउथ एंड आईज। देखो अभी बॉडी ये सब क्या हुए, अपने बॉडी पार्ट्स है। आईज से हम क्या करते हैं, देखते हैं, मतलब लुकिंग करते है, सी करते। माउस से हम क्या करते हैं, कौन सी मूवमेंट करते हैं, माउस से हम बोलने की मूवमेंट्स करते हैं, मतलब टॉकिंग। और नेक से क्या करते हैं हम, नेक हेल्प अस टू टर्न अवर हेड, मतलब टर्न से हम हेड को मूवमेंट करने के लिए नेक की ज़रूरत रहती है। अभी फर्स्ट देखो, देखो मैं अभी क्या कर रही है, लेसन रीड कर रही हूँ एंड एक्सप्लेन कर रही हूँ। अवर बॉडी हेल्प अस टू मेक मेनी मूवमेंट्स, मतलब कौन सी भी मूवमेंट, मेनी अपने को मूवमेंट्स करना हो तो किसकी ज़रूरत रहती है, किसका हेल्प रहता है, तो बॉडी हेल्प, मतलब बॉडी हेल्प, अपने बॉडी पार्ट कौन कौन से, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, मेक मेनी मूवमेंट्स करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द बॉडी पार्ट्स विच हेल्प्स अस इन अवर मूवमेंट्स, मतलब अपने बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट से हम कौन कौन से मूवमेंट करते हैं, ये हम आज पढ़ाने वाले हैं। हेल्प अस अवर, हम कौन सी भी मूवमेंट करना हो तो किसकी ज़रूरत रहती है, बॉडी पार्ट की ज़रूरत रहती है। अभी फर्स्ट देखो, अवर आईज हेल्प अस टू रीड एंड सी थिंग अराउंड अस। रीड मतलब क्या करना, रीडिंग यानी वाचन करने का, मतलब सी मतलब देखना, मतलब आईज से क्या करते हैं, आईज से हम क्या करते हैं, तो आईज से रीडिंग करते हैं और सीइंग करते हैं थिंग्स अराउंड अस। अभी सेकंड, अवर माउथ हेल्प अस टू टॉक एंड टू चीव अवर फूड, मतलब हम माउथ से, मतलब मुँह से क्या करते हैं, कौन से मूवमेंट करते हैं, तो मुँह से हम टॉकिंग करते हैं एंड चीव अवर फूड, मतलब जब हम खाने का च्यू किससे करते हैं, तो माउथ से करते हैं, मतलब आई से हम रीड एंड सी एंड माउथ हेल्प अस टू टॉक एंड ची अवर फूड, मतलब आईज और माउथ एक क्या है, बॉडी पार्ट से, और बॉडी पार्ट से हम क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। अवर है नेक हेल्प अस टू टर्न अवर हेड, हेड बराबर, अरे नेक, नेक मतलब मान, ये हमसे क्या करते हैं, अस टू टर्न अवर हेड, मतलब नेक से हम क्या हेड की मूवमेंट करते हैं। वी आर एबल टू वर्क विथ अवर हैंड्स एंड अवर फिंगर्स एंड थंब कैन बेंड, मतलब हम जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, किससे काम करते हैं, तो हैंड से हम काम करते हैं, लेकिन खूब सिर्फ हैंड ही काम करते हैं का नहीं, फिंगर्स भी काम करता है और थंब भी काम करते हैं। देखो बच्चों, हम जब लिखते हैं, मैं जब तुम्हें बोलती हूँ लिखो, तो तुम क्या करते हो, अपने हैंड से लिखते हो, तो सिर्फ हैंड से लिखते हो क्या, नहीं, तो उससे क्या करते हैं, कौन सी मूवमेंट, फिंगर भी उसका मूवमेंट करता है और थंब भी मूवमेंट करता है, और नीचे झुक कर
तुम क्या करते हो, लिखते हो, मतलब तुम क्या करते हो, एबल कौन सा भी काम करने के लिए हो तो हैंड्स की ज़रूरत होती है। तो हैंड्स फिंगर और थंब भी काम करते हैं। हैंड के बराबर कौन काम करता है, कौन सा मूवमेंट करता है, फिंगर्स एंड थंब भी काम करता है। अवर आर्म्स बेंड एंड द एल्बो एंड ऑन द रिज, मतलब आंस है बीच का भाग है, बराबर बराबर मिडल का है, लेकिन है आर्म में, बराबर आर्म में से कौन क्या काम करते हैं, एल्बो मतलब एल्बो भी काम करता है और कौन रिज भी काम करता है, इसको क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। देखो ये पूरा क्या है, आर बीच का है और एल्बो एंड रिज वो भी क्या करता है, काम करता है। हु आर एबल टू मूव फ्रीली बिकॉज अवर लेंग्स पेन एंड द नी एंड एंकल, मतलब फ्री मूव, फ्री मूव कौन सी, हम इधर उधर जाने के लिए कौन सी मूवमेंट करनी, इधर उधर ऐसे जाने के लिए कौन कौन सा पार्ट्स करता है मूवमेंट्स, तो नी एंड एंकल, इससे हम क्या करते हैं, पेन भी हो सकते हैं, कैन ऑल्सो पेन मतलब टॉई ओवर फीट, ये भी उसके क्या करते हैं, काम करते हैं, मतलब बॉडी अपना मूवमेंट करती है तभी हम इधर उधर करते हैं, तो ये बॉडी पार्ट्स है, तो बॉडी पार्ट्स हमारे है इसलिए हम क्या करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स करते हैं। सी बैक साइड देखो, पीछे देखो क्या दिया है, वी ओ मेरे पीछे बोलो, ओ जंप रन डांस एंड डू अ नंबर ऑफ एक्शन, ये क्या है, सब एक्शन है। एक्शन कब होता है, जब अपना बॉडी मूवमेंट होता है तब एक्शन होता है, एंड मूवमेंट विथ अवर बॉडी, सब बॉडी क्या करती है, मूवमेंट करने लगती है। फर्स्ट पिक्चर वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चलना, मतलब ये क्या करते हैं, किससे बॉडी बॉडी पार्ट यूज़ होता है, तो फुट से बॉडी पार्ट यूज होता है, वॉकिंग किससे करते हैं, हम पैर से करते हैं। जंपिंग, जंपिंग और ये क्या है, एक्शन, जे यू एम पी आर एन, जंपिंग, जंपिंग भी क्या करना है, जंप करने का मतलब, ये क्या है, एक्शन एंड मूवमेंट्स, मतलब जंपिंग ये क्या है, मूवमेंट्स है। आफ्टर थर्ड रनिंग, हम मतलब रनिंग मतलब दौड़ना, रनिंग में हम क्या करते हैं, देखो रनिंग मतलब दौड़ना, ये बच्चा है, ये बॉय है, क्या कर रहा है, बने रनिंग करने की क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, मतलब ये मूवमेंट कर रहा है, आर यू डबल एन आर एन जी रनिंग, डी ए एन सी आई एन जी डांसिंग डांस करना, देखो गर्ल्स है, गर्ल्स क्या कर रही है, डांस कर रही है, किससे कर रही है, कौन से बॉडी बॉडी पार्ट से कर रही है, तो हैंड्स एंड फूट, इससे वो क्या कर रही है, डांसिंग कर रही है। स्केटिंग, स्केटिंग में ये भी क्या है, एक्शन है, मूवमेंट से, इसे किससे करती है, फूट्स एंड हैंड से ये एक्शन स्केटिंग करती है, मतलब ये भी एक्शन है, मूवमेंट है, कौन कौन से बॉडी पार्ट से करती है, तो एंड हैंड से वो करती है, और वो क्या हो रही है, बेन भी हो गई है इसलिए। प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग मतलब खेलना और इंस्ट्रूमेंट, वो भी किससे कर रही है, देखो वो गर्ल्स क्या कर रही है, और अपने हैंड से कर रही है, प्लेइंग मतलब खेलना। रीडिंग, रीडिंग क्या कर रही है, किससे कर रही है, रीडिंग हाँ किससे कर रही है, मैंने बताया ना पहले, तो आई से कर रही है, और हाथ से क्या कर रहे हैं, अपना बू गड़े मतलब हैंड भी उसने किया है, मूवमेंट पार्ट्स किया है। प्लेइंग, प्लेइंग में क्या कर रहे हैं, वो बॉय क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहा है, कैसे बॉल ऊपर से जंप से कैसे कर रहा है, देखो बॉल से उड़ा रहा है, मतलब वो कौन से बॉडी पार्ट से कर रहा है मूवमेंट, तो पैर से यानी फुट से कर रहा है। और लास्ट पिक्चर में देखो, यूजिंग द कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर कर रहा है, यूज़ कर रहा है, किससे कर रहा है, तो हैंड से कर रहा है, फिंगर से कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, बॉडी पार्ट कर रहे हैं। बच्चों सुनो सुनो, ये सब हॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, डांसिंग, स्काटिंग,
हैंड प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग, प्लेइंग, यूजिंग द कंप्यूटर, ये सब ऑल एक्शन एंड मूवमेंट्स आपको क्या करने का है, राइट डाउन इन योर नोटबुक. वन स्पेलिंग एक्शन एंड मूवमेंट, वन स्पेलिंग राइट डाउन इन योर नोटबुक, 5 times लिखने का है एंड लर्न करने की भी है. ये स्पेलिंग क्या करने का है, राइट डाउन रिटर्न एंड लर्न, मतलब है राइट योर नोटबुक लिखने का भी है. डू यू नो व्हेन यू ब्रेक अ बोन इन योर बॉडी इट इज अ कॉल इन फ्रैक्चर. जब हमारा क्या होता है, बॉडी पार्ट कौन सा टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टूट जाता है बोन तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं. जब देखो कि देखो बच्चा हम खेलते खेलते गिर जाते हैं तो गिरने से हमें क्या होता है, हमारा हाथ का हड्डियों का टूट जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है बोन, तो हमें उसको क्या बोलते हैं कि नहीं उसका हाथ क्या हुआ है, अभी फ्रैक्चर हुआ है, मतलब उसको लगा है ब्रेक बोन, मतलब उसका टूटा हुआ है. When a bone is broken, we should consult a doctor soon. जब होता है तो हम किसके पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाता है, बराबर. Talk and tell. Which is your favorite sports? कौन सा तुम्हारा favorite sports है, write down in your notebook. Which parts of the body do you use while playing करने के लिए कौन सा body use किया जाता है, write down in your नोटबुक. ये सब क्वेश्चन किस में लिखने का है, नोटबुक में लिखने का है. देखो अब पेंसिल लो, पेंसिल ने अंडरलाइन द वर्ड्स क्या क्या करने का है, आईज अंडरलाइन, रीड एंड सी, ओके, माउथ, टॉक टू च्यू फूड, नेक हेल्प टू अवर हैंड, बराबर, वर्क हैंड्स एंड अवर फिंगर, अंडरलाइन द वर्ड, आर बेंड एल्बो एंड रीज. लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर आपको ड्रॉ करने का है, किस में करने का है, नोटबुक में करो अच्छे से, वो बॉय का भी पिक्चर निकालो, अपना बॉडी पार्ट को भी अच्छे से नाम दो. देखो क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैं समझा रहती हूँ. देखो विच बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू राइट, मतलब हम लिखने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट का यूज़ किया जाता है, राइट टू अर हैंड हेल्प अस टू राइट, मतलब हैंड आर हैंड से किया जाता है. विच बॉडी पार्ट अस टू वॉक, वॉकिंग किससे करते हैं, तो लेग हेल्प टू फूड टू वॉक. देखो मैच द फॉलो, आईज हेल्प अस टू रीड, नेक हेल्प अस टू टर्न अप, नेक से हम क्या हेड अपना इधर उधर का मूवमेंट करता है. माउथ हेल्प अस टू टॉक, माउथ क्या करता है, हेल्प अस टू मतलब टॉकिंग करता है. Enjoy this action song, head, shoulder, knees and, ये क्या है, action song है, मतलब अपने है body parts है, कौन कौन से, head, shoulder, knee and tooth, ये क्या है, ये song है. देखो कौन कौन से song है, head, shoulder, knee and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and